बजरी ट्रैक्टर यूनियन ने बजरी लीज धारक की मनमानी को लेकर सभी ट्रैक्टर मालिकों ने भैरुनाथ मंदिर परिसर में किसान नेता मुनीर लोहार की अध्यक्षता में बैठक की और लीज धारक के खिलाफ भेदभाव करने तथा मनमानी को लेकर निंदा प्रस्ताव लिया, क्योंकि पूर्व में भी बजरी परिवहन कर ट्रैक्टर मालिक अपना भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन लीज धारक ने ट्रैक्टर की लोडिंग बंद कर दी, जिससे सैकड़ों मजदूर किसानों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए और बेरोजगार हो गए तथा ऊपर से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। इसको लेकर सामूहिक रूप से सभी ने बैठक में निर्णय लिया गया कि बजरी ट्रैक्टरों की लोडिंग चालू नहीं की और रॉयल्टी की नियमानुसार रेट फिक्स नहीं की तो हम सभी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। बैठक में ट्रैक्टर मालिक अमित खटीक, कुलदीप सिंह खाचरोल, बबलू लोहार, सुनील खटीक, मुरली धाकड़, वकील लोहार, छीतर सिंह, प्रतापपुरा आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को बजरी के खनन पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद भी अवैध खनन रुका नहीं तो ऐसे में जून माह के प्रथम सप्ताह में कोरडी क्षेत्र में लीज धारक को बजरी की स्वीकृति मिली तो दिन रात बजरी लीज धारक ने ताबड़तोड़ बजरी खनन कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि लीज धारक को 13 माह 5 दिन के लिए बजरी लीज की स्वीकृति मिली है तो ऐसे में अंधाधुंध बजरी खनन से कहीं नदी का सौंदर्यकरण बिगड़ नहीं जाए, वहीं मानसून भी निकट है, नदी में बहकर आने वाला पानी कहीं अपनी राह से भटक न जाए, इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने भी चिंता सता रही है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग एवं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। राजावत द्वारा राजस्थान भीलवाड़ा जिले में लीज धारक बजरी लीज धारक द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राज्य सरकार के स्वीकृति अनुसार लीज को प्रारंभ किया गया, लेकिन इस संबंध में आज हम बजरी परिवहन मालिकों ने ट्रैक्टर मालिकों ने आज यहाँ भैरुनाथ संगम पर हमने मीटिंग की और इसको लेकर हमने चर्चा की, क्योंकि बजरी लीज धारक द्वारा ट्रैक्टर बजरी को लोडिंग को इन्होंने बंद कर दिया। हम इसका पूरा जोर से विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि हमें फिक्स रेट हमारी रोल्टी में तय हो और हमारी लोडिंग चालू की जावे, अन्यथा हमारी लोडिंग चालू नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन व लीज धारक की होगी।